गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल भाई चूड़ जी ते भाई पुरिया जी साहब जी की संगत करन दे लई आए ने। सतगुरु जी दे चरणां दे विच डंडौत वंदना करके हजूर जी दे मुबारक चरण कमलां दे कोल बैठ गए। सतगुरु जी नूं चरण बेनती कीती गई। सतगुरु जी दे अगे ये अरदास करदे ने कि श्री गुरु जी किम होए उदारा, सुनियो चाहत हम उपदेश तुम्हारा। सतगुरु जी साडा किमें उदार होवेगा, असी तुहाडा उपदेश सुनने दे लई आए हाँ। हजूर ने पुछया कि तुहाडी दुनियावी किरत की है। दातार जी नूं कहन लगे कि दाता जी पिंड दे चौधरी हाँ, ते चौधरपुणे दे अंदर कई बार झूठ बोलिया जाता है, कई बार पाप कमाया जाता है, इसे करके तुहाडी शरण दे विच आए हाँ। कृपा दे घर अंदर आके कोई रस्ता दसो। मेरे मालक जी ने अपनी रसना दे विचों बचन उचारण किए, श्री मुख ते शुभ बाक उचारा, त्यागो झूठ क्रोध अंकारा। मेरे मालक जी ने आख्या के भोलिया इन्हां नूं छड्ड दिओ, ये झूठ जिथे भी हुंदा है उत्थे जीवन का गर्क कर दिंदा है। सतगुरु जी नूं कहन लगे कि मालक जीओ इस झूठ तो बगैर गुजारा भी तो कोई नहीं ना, ये झूठ ना बोलीए तो घर का गुजारा कोई नहीं जे कुंदा। सतगुरु जी नूं कहन लगे कि झूठ बिना न होए गुजारन, झगड़े परे अनक प्रकारन, अनेकां प्रकार दे झगड़े पैंदे ने, उत्थे सच्चे नूं झूठा ते झूठे नूं सच्चा साबित करना पैंदा है। मालक जी की करिए, सतगुरु गुरदेव महाराज जी ने सख्त ताड़ना कीती ते दातार जी ने आख्या चेता रखियो, जे साडी सिखी कमाउणी गए ते साडे बचन जरूर मनने पैणगे। झूठ समान पाप न कोई, नहीं झूठ ते शुभ गतोई। सतगुरु जी ने ताड़ना करदिया होया ये शब्द आखे ने कि जिस झूठ दे पिछे तुसी लगे हुए हो इहदे तो वड्डा कोई पाप नहीं। सतगुरु गुरदेव महाराज जी दे चरण पकड़ लए ते आख्या कि दातार जी फिर किवें साडी मुक्ति होवेगी। सतगुरु जी ने आख्या सगरे दिन जो झूठ कमायो, धर्मशाल मैं आण लखायो। जे झूठ जिन्ने भी बोलदे को उन्हां झूठां नूं एक कागज दे उत्ते आके धर्मशाला दे विच बह के लिख लैणा के। सतगुरु गुरदेव महाराज जी दे ये बचन उन्हां ने सुने ने ते हजूर ने आख्या कि जदों अगली वार आवोगे वो कागज जिदे उत्ते झूठ लिखे होणगे वो मेरे कोल लैके आउणा है, इस संगत दे विच बह के पढ़ांगे। सतगुरु जी दे ये बचन सुन के वो जिहड़े सिख ने अपने घरां नूं वापस परत गए। सुन उपदेश नमो कर गुर को, केतक दिवस मैं गमन्यो पुर को। साहब जी दे चरणां दे विच मत्था टेक के ते तुर पए ने। हुण ओ वक्त आया, समा आया जदों झूठ बोलदे ने गुरु दे बचन चेते आ जांदे ने। एक तो नरन विखे वडियागी, एक उन्हां नूं चेता आया कि साडी वडियाई मनुखां दे अंदर कै, ते दूजा जदों गुरु दी सभा दे अंदर इतने झूठ पाप बोले जाणगे ते किहड़ा मुख लै के उस थां दे उत्ते खलोवांगे। सभा मजार गुरु अगवागी, उत्थे गुरु दी अगवाई होवेगी। लज्जत होए बसूरन फेर, बड़े शर्मिंदे हुए याते त्यागया दीन एक बेर। इस करके उन्हां ने पाप झूठ छड़ दिते, भले कर्म कर बे रुच जागी। उन्हां दे मन अंदर हुण शुभ कर्म करन दी रुचि पैदा हुई है। गुर उपदेश नाम लिब लागी। साहब जी आखदे ने कि उन्हां दे हिरदे दे अंदर वाहिगुरु जी दे नाम दी जाग लग गई है। साहब जी दे चरण कमलां दे विच आए,
ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਲੋਭ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਚੜੇ ਚਵੱਗਣ ਵੰਨੇ।